अगर मेरी आवाज आपको हो तो जारी के पर इनबॉक्स कीजिए, यस यस मोर में इनबॉक्स कीजिए कुछ भी, अगर हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है ठीक है, यू आर वेरी गुड। तो फिर देखिए पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो मोमेंटम के बारे में बताया था, इंपल्स के बारे में बताया था, कुछ तो लेटर्स भी हम लोगों ने किए थे। तो आज उसके क्लास में हमने ये भी बताया था कि मोमेंटम जो रहता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कि मास इनटू वेलोसिटी और वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है, तो वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमें जो देखना है उसे आपको आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है क्या? नो सर। इनबॉक्स इनबॉक्स आवाज नहीं आ रही, तो कल हमने बता दिया था इस तरीके से। तो अब हम उसी जो है मोमेंटम को जो अलग अलग करके बताया था उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है, एग्जांपल मान लो कि कोई घर है उसके कॉर्नर पर एक ब्लॉक ए कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 0.5 केजी है, ये ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है 0.5 केजी है, ये इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फ्लाई कर रहा है, तो गिरा है कुछ है 0.5 केजी तो ज्यादा ही लगा दिए एम है, एम मान लो 0.2 केजी है, काफी छूट कम कर दिए ठीक है 0.2 केजी है ठीक है, और ये 15 मीटर पर सेकंड के हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बना करके जा रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना करके जा रहा है ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको फाइंड करना है पी वेक्टर, पी वेक्टर फाइंड करना है ठीक है। तो आपको पी वेक्टर फाइंड करना, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, कल ये बताया हूं कि P वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Px i कैप प्लस Py j कैप ठीक है। तो अगर हम Px लिखने के लिए जाएंगे देखते जाइए m इनटू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस लिखेंगे, अब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ये इधर रहा है, रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस के डायरेक्शन में, ये x है ये y है, और इसको रिजॉल्व करेंगे y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आप लोग रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे 50 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, इतना तो जान ही गए आप लोग जा रहे, और ये टैन थीटा के रूप में दिए क्या हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 ठीक है, ये वेलोसिटी एंगल है। अब ये एक प्रॉब्लम है कॉस 37 आप लोग को पता और ये नहीं पता, लेकिन हमने कंपटीशन के बैच में शुरू से ही 30 से 1037 की रेंज 3/4 लिखा, अब ये देख लो 1037 3/4 है, एक बार और मैं बता दे रहा हूं 1037 3/4 है, तो cos cos सारी चीजें निकल जाएगी cos sin, ये 37 के लिए परपेंडिकुलर को 3 मानो बेस को 4 मानो और इसे कितना कर दो 5 ठीक है। तो यहां से cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, we are 15 into 4 by 5, so 5 3 is 15, ये क्या होता है 12 meter per second, और ये v by कितना हो जाएगा 15 into 3 by 5, 3 5 जा, तो कितना हो जाएगा वही ना 5 3 जा 9 meter per second हो जाएगा। क्या आपने क्या बोला, ये 4 by 5 देखो ये 37 में 3/5 मान लो,
ये देखो tan 37 perpendicular कर दे, 3 वेक्टर लिख दिया, तो इसका वेक्टर 2 ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको 5 लिख दिया। अब cos 37 क्या होता है, cos 37 tan का सब पढ़ा दिया का बेस अपॉन वेक्टर इन बेस कितना 4 और वेक्टर लिख दिया क्या 5। तो उसी तरह sin 37 का लिखते हैं तो ये कितना होता है vx 12 का v / 4 का 9 का। ठीक है, तो आप ये क्या px इक्वल टाइम इनटू vx मास कितना 0.2 केजी, 0.2 वेलोसिटी कितना है 12, तो कितना है 0.2 इनटू 12 2.4 केजी मीटर पर सेकंड। यहां पर जगह py भी लगा आप लिख देते m इनटू vy कितना आ गया 0.2 इनटू 9, तो क्या आ जाएगा 1.8 केजी मीटर पर सेकंड। यहां पर तो फाइनल जो हमारा वेलोसिटी हमारा मोमेंटम हो जाएगा वो p वेक्टर इक्वल टू ps, ps कितना होगा 2.4 i कैप और py क्या हो गया 1.8 j कैप kg मीटर पर सेकंड। एक चीज और बता, इसका एक और यूनिट बता रहा हूं अभी, ठीक है, इसका एक और यूनिट देखो, देखो kg मीटर पर सेकंड को तो बहुत लिख के आए लेकिन कहीं न्यूटन सेकंड भी आप लोग इसका यूनिट लिखा हुआ देखिएगा न्यूटन सेकंड। तो होता क्या, अपनी मर्जी से यहाँ पर एक सेकंड से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई करो, तो देखो देखने पर देखेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है न्यूटन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया न्यूटन हो गया सेकंड। इसका एक और यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकंड भी होता, बुक में देखिएगा न्यूटन सेकंड भी दिया, न्यूटन सेकंड देख करके आपको कंफ्यूज नहीं करना है नहीं कोई बहुत ही टिपिकल सा चीज आ गया, कोई टिपिकल टिपिकल नहीं बहुत ही बेसिक है। चलिए नोट कीजिए यहाँ पर और जो डाउट है उसको इनबॉक्स कीजिए फटाफट। एम मास का बॉल है, एम मास का बॉल है, यहां से वी वेलोसिटी से आगे की तरफ वेलोसिटी से क्या है आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब ये जो यहां पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है। यहां से चलते हुए यहां पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फिर ये सेम वही थीटा एंगल पर वापस आ गया बी वेलोसिटी से। इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, अभी कोलिजन के बारे में नहीं पढ़ना है, कोलिजन आगे सिर्फ अपना काम की बात इतना ही है कि बी को बी वेलोसिटी से सेम स्पीड से हो गया वही सपोजिटिव थीटा एंगल बनाकर वापस आ गया। अब आपको फाइंड करना है, बताना है, बताइए चेंज इन मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, ओके, कम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, सॉरी आप वेक्टर लीजिए, वेक्टर लेकर के सब के आपके पास तीन चाहिए, देखिए इधर इधर कर दीजिए, अपन के पास मान लीजिए एक्स और वाई दिया है, पॉजिटिव दिया है और इधर वाला नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, तो भाई आप जो है ये कोई डायरेक्शन में है ही नहीं, हम कैसे फाइंड करेंगे, जाते समय इधर है आते समय इधर है, कोई डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे x और y लेंगे, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे x और एक इस डायरेक्शन में इस मोड वेलोसिटी को रिकॉर्ड करेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिकॉर्ड करेंगे, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, बचपन में पढ़े होंगे 9th क्लास में ये पेंसिल लाइन ये सब एंगल
ये b है, ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा, थीटा के साथ वाले को cos थीटा देना, थीटा के अपोजिट वाले को क्या, b sin थीटा, ठीक है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, चलिए इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, px इनिशियल i क्या, अब p y इनिशियल, जेकर x और y दोनों ये कर लेंगे क्या मोमेंटम, तो p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p का वेक्टर, m को बाहर निकाल लेते हैं, m तो कांस्टेंट है, px इनिशियल i क्या, px इनिशियल i क्या प्लस p y इनिशियल j क्या, तो प्रॉब्लम इसमें देखो क्या है, Vx इनिशियल क्या, v cos थीटा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, m into v cos theta i cap, और ये किधर है, देखो नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव माइनस v sin theta, लेकिन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो j क्या लिख दिए, ठीक है, y डायरेक्शन को j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x को i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे मोमेंटम हो गया, मास मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं ही कर देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, m v cos theta i क्या, minus mv sin theta j क्या, mv cos theta i क्या, i क्या, minus mv sin theta j क्या, ठीक है, अब हम फाइनल देखते हैं, फाइनल बात, फिर इसे हम रिजॉल्व करेंगे ना भाई, x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ये हो गया x डायरेक्शन का इधर जाएगा और y डायरेक्शन का इधर जाएगा, ये थ्री है, इधर रिजॉल्व करें, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये v है, ये वाले को लिखते हैं v cos थीटा और ये वाले को v sin थीटा, तो डायरेक्ट लिखते हैं m into velocity of x axis क्या होगा, minus v cos थीटा, इधर तो यहां पर लिखते हैं, मैं लिख देता हूं पूरा, px final i cap plus py final j cap, m को बाहर निकाल लेते हैं, px final i cap plus py final j cap, तो p final vector equal to m को लिखते हैं, और px final vector क्या, v cos theta इस डायरेक्शन में है, उधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव, तो माइनस v cos theta आई क्या, और ये क्या v sin theta नीचे, और यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस v sin theta, ठीक है, तो p final vector form में अगर लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस mv cos theta आई क्या, माइनस mv sin theta, ठीक है, तो आपके पास फाइनल इनिशियल और फाइनल लिख लिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल यहां रहा माइनस ऑफ एमवी cos theta i cap minus of mv sin theta j cap, और इनिशियल क्या लिखेंगे, माइनस आगे लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे mv cos theta i cap minus mv sin theta j cap, अब देखो ये माइनस, यहां पे माइनस, ये अंदर में आगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा डेल्टा p वेक्टर हो जाएगा माइनस 2mv cos theta i cap, डेल्टा p वेक्टर हो गया माइनस टू एम वी cos theta i cap, और यही अगर पूछ देता इंपल्स, इंपल्स एक्ट पे बॉल, ये हुआ क्या, बॉल आया है यहाँ पर, ऐसे करके बॉल आया कुछ समय के लिए रहा, फिर वो ऐसे सीधा चला गया, ठीक है, बॉल ऐसे आया और फिर वो ऐसे गया, तो अगर आपसे पूछ देता कि इंपल्स इंपॉर्टेंट बाय द बॉल, बॉल ले, बॉल के ऊपर कितना इंपल्स इंपार्ट किया, कितना इंपल्स दिया, तो कितना इंपल्स दिया, चेंज इन मोमेंटम,
चलिए ध्यान में रखिएगा, मैं कल और आज दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन में वो दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। चलिए नोट डाउन कीजिए, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको देखते हैं। आप लोग अभी न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़े हैं एफ एक्सटर्नल, उसमें क्या लिखा था एफ एक्सटर्नल, जो हमने पढ़ा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा फोर्स है जो मोमेंटम चेंज कर रहा था, मोमेंटम चेंज कौन कर रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था। आपने देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े होंगे आप अभी बहुत पुराने, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाय डीटी। या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं वी नो दैट, अच्छा आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन force is equal to dp by dt, ठीक है f external। यानी हम लिख सकते हैं simply f external is equal to delta p by delta t। ये तब लास्ट हो रही है जब टाइम जो है बहुत चीज कम है, डेल्टा पी यानी कि क्या हो गया, डेल्टा पी यहाँ क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम, आप लोगों को पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ एक्सटर्नल जीरो तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यानी हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, आगे क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो क्या लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। आगे हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मैं इंटरनल में जो हो रहा है अंदर में क्या हो रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो ध्यान में रखना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कि सपोज दैट ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों सिस्टम है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं दे रहे अंदर में क्या हो रहा है अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है बाहर, देखना कि बाहर कुछ हो रहा है क्या, तो दिख रहा होगा बाहर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, इंटरनल फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटरनल फोर्सेस का कोई मतलब नहीं आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो इन एनी सिस्टम, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, देन इट्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या तो हम लिख सकते हैं दैट इज मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट या मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसकी फॉर्म में